अफवाहें भी सामने आ रही हैं और हकीकत क्या है ये सामने हम दिखा रहे हैं। सीए का उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों से उनका हक छीना या अफवाह, लेकिन सच ये है कि सीए किसी भी धर्म के भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करता, मुस्लिम भी इसमें शामिल हैं। अफवाह है कि सीए का उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों से उनका हक छीनना है, लेकिन कानून नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। ये बात बार बार बताई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भी। सीए भारतीय मुस्लिमों को प्रभावित करता, ये अफवाह लगातार फैल रही है, लेकिन सच यह है कि ये बात झूठ है। सीए पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, भारतीय मुस्लिमों को प्रभावित नहीं करता है और देश के मुसलमानों को किसी भी तरीके से कहीं भी प्रभावित नहीं करता है। अफवाह ये भी एक है कि ऐसे दस्तावेज जिनसे नागरिकता प्रमाणित होती हो उन्हें अभी जुटाने होंगे, लेकिन ये गलत है। जो हकीकत है कि ये अफवाह गलत है। किसी भी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई। अगर इसकी कभी घोषणा की भी जाती है तो इसके लिए नियम और निर्देश ऐसे बनाए जाएंगे कि बहुत आसानी से वो दस्तावेज अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो अरविंद, ये तमाम जो है अफवाहें आ रही हैं, जो हकीकत है। अब केंद्र सरकार ने निर्देश दिए अपने मंत्रियों को और तमाम लोगों को कि जनता तक जिन लोगों को भी आशंकाएं हैं उन्हें ये पहुंचाए जाए। किस तरह से ये बातें देखने और सुनने को मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल करुण, और आपको जब याद होगा कि जब इस मामले को लेकर नोटिस जारी हुआ था तो उस वक्त एक वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस मामले को लेकर अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, लोगों के अंदर गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं और वही गलतफहमियां कहीं ना कहीं हिंसा या विरोध प्रदर्शन के में तब्दील हो रही हैं। तो अटॉर्नी जनरल को कोर्ट ने ये विचार करने के लिए कहा था कि बेहतर होगा कि विज्ञापन के जरिए, टीवी पर, प्रिंट मीडिया के जरिए ये बताया जाए कि आखिर इस कानून का मकसद क्या है, कैसे ये कानून नागरिकता देने का कानून है न कि किसी की नागरिकता छीनने का, और कैसे इस मामले में रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी पर ये कानून संवैधानिक तौर पर कसौटी पर खरा उतरता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसकी परिणति तमाम विरोध प्रदर्शन के रूप में देखने को मिल रही है, उसको लेकर के कोर्ट ने भी ये सुझाव दिया था। अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा था पिछली बार सुनवाई के दौरान कि बेहतर होगा कि इस तरह के विज्ञापन के जरिए सरकार ये आश्वस्त करे लोगों को कि इसका कानून का मकसद क्या है और कैसे ये कानून किसी की नागरिकता छीन नहीं रहा बल्कि एक समाज के उस तबके को जो 3 देशों में प्रताड़ित है, धर्म के आधार पर भेदभाव झेल रहा है, उसको नागरिकता देने का कानून है।